हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो अभी मॉर्निंग का 10:30 का टाइम हो रहा है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और नहाने के बाद कर रही हूँ मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर, जो कि नहाने के बाद तुरंत अगर हो जाए तो हो जाए, नहीं फिर टाइम नहीं मिल पाता है पूरा दिन भर में। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रेडी हो जा रही हूँ और नहाने के बाद मैं फेस पर लगाती हूँ बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर, जो कि ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। मुझे रियल में बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। चीनू, चीनू, इधर आओ, धूप में आओ बेटा। धूप खाने के लिए आयो ना, धूप सेकने के लिए आयो, तो धूप में आओ। आओ बेटो, क्या खा रहे हो आप? चॉकलेट वाला बर्गर। देखो तो फ्रेंड्स, हम लोग धूप से के आए हैं थोड़ी देर। अच्छा लग रहा था धूप में बैठ के, क्योंकि आज हेयर वॉश किया था, तो यहाँ तो बिल्कुल भी घर के अंदर धूप आती नहीं है, इसीलिए हम लोग गए थे नीचे। तो अच्छे से धूप से के आए, पूरा हेयर सूख गए और बहुत अच्छा लग रहा था सही में। सर्दी की धूप में बैठने का अपना अलग ही मजा है। गिलास लो पानी को। और ले लो। अच्छा लगा पानी पी के? ठंडा ठंडा कूल कूल। धूप में जाके है ना, इसलिए। चलो ये रख दो, बोतल रख दो अपना। ना हाँ बे, नहीं देखिए चीनू डांस कर रही है। देखिए डांस हो रहा है ना। और अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो बिटिया के लिए मैंने कुकर में चढ़ा दी थी वेजिटेबल खिचड़ी, और ये मैं मॉर्निंग के जो ब्रेकफास्ट के बर्तन थे वो सब मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि सब सूख गए थे, तो इसीलिए मैं इनको सेट कर दे रही हूँ। और फिर बिटिया की खिचड़ी निकालूंगी। और अब हमें करना है लंच, तो मैं लंच अपना निकाल के रख रही हूँ। और ये देखो बेटी मेरी बातें कर रही है मुझसे। मैंने डाल थोड़ी सी खाने के सब खाने के लिए, और लड्डू ले लेती हूँ मैं। ये देखिए मेरी बिटिया को बहुत पसंद आए हैं, फिनिश भी कर दिए उसने को बेसन के लड्डू जो मैंने बनाए थे। ये देखिए, ये मैंने बना ली है मेरी बिटिया के लिए वेजिटेबल खिचड़ी। और अगर आपके बच्चे भी अगर नहीं खाते हैं वेजिटेबल, तो आप भी ऐसे बना सकते हो। मैं इसके लिए बचपन से ऐसे बना रही हूँ, जब वो 2-2.5 साल की थी तब से। वैसे तो बच्चों को ऐसे ही खाना चाहिए, कोशिश कीजिए कि बच्चे ऐसे ही खा लें, लेकिन मेरी बिटिया क्या है, खाती नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें मैंने डाला है बीन्स, आलू, तो आलू तो उसको बहुत पसंद है। और ये डाला है राजमा के 4-5 दाने डाले हैं। और इसमें आप जितनी भी वेजिटेबल आपके पास हो ना, सब डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास अभी बीन्स थे तो मैंने बीन्स डाली है। और फिर इसको पोटैटो मैश से एकदम ऐसे मैश कर सकते हो। तो देखिए मैं पूरा पोटैटो मैश से एकदम मैश कर दूँगी, तो पता नहीं चलता है, फिर खा लेते हैं बच्चे। वैसे तो कोशिश करना चाहिए कि बच्चे ऐसे ही खा लें, बहुत अच्छा है कि आपके बच्चे ऐसे ही खा लें। कैरेट वगैरह, रेडिश वगैरह तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो फिर अब मेरी बेटी खाती नहीं है कैरेट, कुछ भी दो आप, बिल्कुल नहीं खाती है। तो मैं क्या करती हूँ, फिर ऐसे वेजिटेबल खिचड़ी इसके लिए बनाती हूँ। और ये जब वो 2-2.5 साल की थी तब से ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो बचपन से ही नहीं खाती, मैंने बहुत कोशिश। तो अब देखिए इस खिचड़ी में यहाँ पर आप घी ऐड कर सकते हो, अच्छे से 1-2 चम्मच अच्छे से घी ऐड कर दीजिए। तो मैं अच्छे से 2 चम्मच इसमें घी ऐड कर दूँगी। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चे खा लेते हैं घी, वेजिटेबल सब कुछ खा लेते हैं, और ऐसे अगर आप उनको दोगे तो बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं चाहते। तो अगर आपके बच्चे भी नहीं खाते हैं, कोई भी वेजिटेबल नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं खाते, तो आप ऐसे वेजिटेबल खिचड़ी बना के बच्चे को खिला सकते हो। तो क्या है, चीनू को खून पिछला है, कैसे लगे चीनू को? पेंसिल से कर रहे थे आप उसे, किसकी गलती है?
खून पिछला है लड्डू हो गया बोली बोली है तो इसमें लोई लोई करने लग गया मोटे मोटे आ जाओ भाई मोटे मोटे बोली ये देखो पाली से बेटी रो रही है देखो देखो पाली से बेटी रो रही है इतनी प्यारी किसी की बेटी रोती है बेटी तो स्ट्रांग होती है ना अच्छा मामा की कितनी स्ट्रांग बेटी हो बता दो अभी ये लगी है ना इसको मम्मा ना एक इतना सारा दूध पिला के ठीक कर देगी तो दोस्तों अभी है नाइट का टाइम लगभग 7 बज रहे हैं 7:30 तो आज चीनू के पापा थोड़ा सा लेट हो गए थे ऑफिस से आने में तो अभी मैं बना रही हूँ इनके लिए मिर्ची पकोड़े बेसन के तो आज मैंने आलू की मिर्ची बनाई थी तो पकोड़े भी रेडी कर लिए तो साथ साथ में मेरी आलू की भरवा मिर्च बन गई है बहुत ही यम्मी लगती है बहुत टेस्टी लगती है खाने में और ये बन गए हैं मिर्ची पकोड़े देखिए तो बेटे के लिए बनाई हूँ आलू की प्लेन वो खाती नहीं है मिर्ची वाली तो चलिए देते हैं पतिदेव को कैसे लगते हैं देखते हैं लीजिए बैठो आपका हाँ कटोरी वाला चाय खाना खाने की बात नहीं सॉस चाहिए इसके साथ सॉस चाहिए क्या लग रहा है मिर्ची पकौड़ा ठंडा पंखा चलाने से होगा ऐसे ही होगा कैसा अच्छा पता ही नहीं कैसा लग रहा है तो चलो इनको तो देते हैं खाने और ये है सामान इसको सेट करना है ये लाए हैं बोलते ये क्या है ये कौन सा फ्रूट है फ्रूट्स लाए हैं एप्पल है पपीता पाइन एप्पल सब एक साथ ही उठा लाए ये फ्रूट्स है इसमें क्या इसमें सब्जी है वेजिटेबल्स है ये सब है क्या क्या लाए हैं बहुत कुछ लेके आ गए एक साथ ही टिफिन ले चलते हैं और ये है आटे का पैकेट तो अब मुझे जमाना है ये सामान तो ठीक है दोस्तों अब इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे एक नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ और देखिए मिर्ची बड़े तैयार है आ जाइए आप लोग भी सभी इनवाइटेड हो सभी आमंत्रित हो आ जाइए आप लोग भी